तो चलिए अब हम एक और कंसेप्ट टेस्ट सॉल्व करते हैं इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें एक एक्सप्रेशन गिवन है और हमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके ये प्रूव करना है कि गिवन किस प्लस वाई से डिविजिबल होगी तो अब इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है सो प्लीज पॉज वीडियो हेयर एंड टेक सिक्स मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा तो चलिए अब इसे डिस्कस करते हैं x की पावर टू एन को एक्स प्लस डिवाइड करने पर हमें एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमोवाई मिलता है जिसे फर्दर हम इस प्रकार लिख सकते हैं जहां एफ ऑफ एक्स कॉमोवाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई अब इस स्टेटमेंट को हम एन मान लेते हैं जो कि हमें ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए वैलिडेट करना है तो सबसे पहले एन इक्वल टू वन के लिए एल एच एस यह होगा इसमें N की करने पर हमें यह मिलता है जिसे फर्दर सॉल्व करने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलता है इसे फैक्टराइज करने पर हमें एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मिलता है एक्स माइनस वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड वी कैन सी दैट दिस टर्म इज डिजिबल बाई एक्स प्लस वाई दीन्स पी एफ वन इज ट्रू इस प्रकार हमारा बेसिक स्टेप कंप्लीट हुआ अब हम इंडक्टिव स्टेप की तरफ अप्रोच करते हैं हम ये अज्यूम करते हैं कि पी एफ के इज ट्रू तो हम इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं यहां जो फंक्शन g ऑफ x कॉमो वाई है वह भी x एंड y में एक फंक्शन है नाउ वी हैव टू प्रूव दैट p ऑफ k प्लस वन मस्ट बी ट्रू तो अब हम p ऑफ k प्लस वन को कुछ इस तरह लिख सकते हैं यहां जो h x कॉमा वाई है वह भी x एंड y में एक फंक्शन है इसे सिंप्लीफाई करके हम इतना राइट डाउन कर सकते हैं जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर यह एक्सप्रेशन प्राप्त होता है वेयर की पावर 2k के स्थान पर हमने यह एक्सप्रेशन यूज किया है जिसमें वाई की पावर 2k को ऐड और सब्ट्रैक्ट किया गया है एक्स की पावर 2k माइनस वाई की पावर 2k यहां भी प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू जी ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई है अर्थात हम इसको आगे सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह लिख सकते हैं जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करने पर यह एक्सप्रेशन प्राप्त होता है इन दोनों टर्म्स में से वाई की पावर टू के कॉमन लेने पर यह मिलता है वेयर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस पर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई भी लिख सकते हैं दैट मींस नेक्स्ट स्टेप विल बी लाइक दिस अब बोथ टर्म्स में से एक्स प्लस वाई कॉमन लेने पर यह मिलता है वेयर इस एक्सप्रेशन को हम एच एक्स कॉमा वाई मान सकते हैं जो कि एक्स एंड वाई में एक फंक्शन है एंड दिस होल एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू एच एस ऑफ दिस स्टेटमेंट पी एफ के प्लस वन दैट मीन पी एफ के प्लस वन इज ऑल्सो वैलिडेटेड तो हम यह देख सकते हैं कि हमने इनिशियली पी एफ के आगे सोल्व करके ये प्रूव कर दिया कि पी एफ के प्लस वन भी ट्रू है तो हम यहां से कह सकते हैं कि पी एफ एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर तो स्टूडेंट्स अब आपको इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे तो इस चैप्टर में हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उनकी ये समरी है इस चैप्टर में हमने सबसे पहले इंडक्शन के बारे में सीखा था उसके बाद हमने ये देखा था कि इंडक्टिव सेट क्या होते हैं एंड इस चैप्टर के सबसे लास्ट में हमने ये देखा था कि हम क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे तो अब आपको ये सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं